नमस्कार, आज 11 सितंबर 2024 है, पीएनएसटी का एग्जाम चल रहा है, तीसरा दिन है आज, और फर्स्ट पाली का एग्जाम छूट चुका है, बच्चियां बाहर निकल रही हैं। चलिए हम बच्चियों से बात करेंगे। तो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। चलो बेटा बेटा, तो पेपर बारे बता दो क्या सर, आप पेपर प्लीज है ये बच्चियां निकल रही हैं, इसकी पीछे सिलेबस है बेटा। हम किसी बच्ची से बात करेंगे, कुछ बच्चियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार बेटा, थोड़ा पेपर के बारे में बता दो, जीके वगैरह में कैसे पेपर टफ था सरल है। हेलो बेटा, पेपर के बारे में बताना थोड़ा सा। इधर आइए। हेलो भाई, हेलो बच्चे निकल रहे हैं, किसी बात करने की हम कोशिश करते हैं। तो हाँ बेटा, इधर आओ प्लीज। तो बहुत अच्छा था। हाँ फिजिक्स टफ लगी क्योंकि वो तो मेरी ऑलरेडी वीक है। हाँ बाकी और पेपर तो अच्छा ही था। जीके कैसा रहा? जीके क्वेश्चन याद है एक आध दो? जैसे कि इनके नदियों के बारे में आया है। नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? हाँ। एमपी की नदी की इंडिया की नदी? एमपी के बारे में नदी बताइए, कोई नदी का नाम बता दीजिए। साबरमती नदी। साबरमती नदी गुजरात की नदी है आपकी? हाँ। और यही सब है, बाकी तो सब सही था। नंबर कितने आ रहे हैं? बस मेरे कमी है, 40 है। 40 है ना। हेलो बेटा, पेपर के बारे में बता दो, प्लीज भागना नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा गया, जीके क्वेश्चन बता दो, कर दो जीके के। क्वेश्चन याद नहीं रहते बच्चों को जीके के, और पेपर टफ था सरल था। नंबर कितने हैं? हेलो। बेटा नंबर बताना थोड़ा सा, नंबर कितने आ रहे हैं? 51। आपके बेटा नंबर? 49। कितने नंबर आ रहे हैं? अलग अलग बताओ, इंटरव्यू दे आवा बताओ बेटा, तुम तो हो गए तो इंटरव्यू। कितने नंबर आ रहे हैं? 45। पेपर कैसा रहा? पेपर टफ था सरल था? नहीं टफ था। पेपर जीके क्वेश्चन याद हो? जीके का टफ था, फिजिक्स का टफ था। जीके का क्वेश्चन याद हो आपको? क्वेश्चन याद हो कोई भी? नहीं याद है तो बच्चों को जीके क्वेश्चन याद नहीं है। मास्टर माइंड रीवा डालो, मास्टर माइंड रीवा जाएगा यूट्यूब में। आपको हो गया? अभी पेपर है, पेपर देने जा रही है यहाँ पे ना। बेस्ट ऑफ लक आपको। और कब किया है? 3 साल पहले। अभी इसके पहले दिया को 21 वाला दिया था, 22 वाला पहली बार दे रही है। आई और बात करते हैं। थोड़ा सा पेपरों के बारे में हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं, आगे वाले बच्चों को। जी मैं नेहा सेन, हम सीधी से आए हैं। जी आज का पेपर हो गया लगभग ठीक है, पर थोड़ा टफ था। थोड़ा टफ है ना? नहीं, और जी के सबसे ज्यादा टफ करंट हो गया, सिलेबस चेंज हो गया है। पहले था तो यही पेपर जो था वो, इसमें हम ये कोचिंग का है, मास्टरमाइंड कोचिंग से है, हमने आपको सिलेबस दिया आपको है ना, ये सबको बच्चों को दे रहे हैं सिलेबस। नंबर कितने आ रहे हैं? जी 53। ठीक नंबर। अब बेटा 35 कम है आपके है ना, अगली बार बढ़िया तैयारी करो मेहनत से। सिलेबस लिया तो वही है, गुलाबी पंपर लेट है आपके पास? हमने बताया था, चैनल है हमारा ये मास्टर माइंड कोचिंग रीवा के नाम से, आप सर्च करोगे पूरी जानकारी देंगे हम आपको उसमें। इसमें हाँ मास्टर माइंड कोचिंग, आइए बिल्कुल वेलकम है आपका है ना।
कंफ्यूजिंग था थोड़ा, कंफ्यूजिंग था कुछ जी के कुछ नहीं का याद हो बता दो। करंट अफेयर्स के बारे में एक आध बता दो, कोई क्वेश्चन याद हो। जैसे कि राइट नाउ हमारे मतलब कहना चाहिए कमांडर जो रक्षा कमांडर है उनके बारे में एक क्वेश्चन था तो जो मुझे याद नहीं था ऑब्वियसली। नंबर कितने आ रहे आपके बता दो प्लीज। नॉट नंबर आप बताओ। मेरा भी हुआ नहीं है? नहीं हुआ है अभी, नहीं हुआ देने जा रहा हूँ। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपके लिए है ना। क्वेश्चन कुछ याद हो याद दो, पेपर दिया ना आपने अभी जी के क्वेश्चन याद याद हो कोई भी क्वेश्चन याद हो आपको बोलिए। आपके नंबर कितने आ रहे हैं, नंबर दिखाओ आपने इसमें नंबर आए होंगे ना कितने। 30 नंबर सब आए थे। कितने नंबर? 55। 55 आपके बेटा कितने नंबर? 54। एक जीके क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन जीके का बताना आपको याद करके, एक क्वेश्चन बताना जीके का, एक क्वेश्चन से एक भी ध्यान नहीं है। करंट पे आ रहे थे क्वेश्चन, पेपर कैसा टफ था, सरल था, कठिन था? हम लोग के कोचिंग के अकॉर्डिंग बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इजी थी, बाकी थोड़ा सा जीके डिफिकल्ट, बाकी और पेपर टफ था। जीके के क्वेश्चन बताओ, जीके के क्वेश्चन इंग्लिश समझ में नहीं आया, जीके पूरा एकदम नंबर नहीं बताओगे आप, बताओगे हो गया है। बताओ पेपर टफ था सरल था कैसा था? पहला क्वेश्चन हमारा टफ था पेपर है ना। और कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 57 अच्छे नंबर है आपके है ना, 57 अच्छे नंबर आ रहे हैं। जीके कैसा था? जीके तो अच्छे थे, अच्छा था, जीके अच्छा था। एक आध दो क्वेश्चन याद है आपको जीके के? ये बहुत बड़ी समस्या है, पहली बार जीके शामिल किया गया है बच्चों को क्वेश्चन उसके, क्योंकि बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है तो बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं रह पाते। पढ़े रिवीजन बार बार करें, बहुत टफ क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। वो तो जरूरी है ही पढ़ना है ना। और जीके आया था पहली बार है ना शामिल किया गया एग्जाम में, कैसा रहा जीके? अच्छा था, कुछ वर्ड से था, कुछ एमपी जीके में था, जीके क्वेश्चन अच्छे थे, टफ भी नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे है ना। और एक आध दो क्वेश्चन जीके बता दीजिए, जीके क्वेश्चन एक आध दो बता दीजिए। ये बड़ी समस्या करी, जीके याद ही नहीं हो रहा बच्चों। पत्रकार नहीं सर, मास्टरमाइंड कोचिंग का चैनल है ये, सिरमो चौराहा रमा गोविंद कॉलेज। आपके नजरों पेपर कैसा था, टफ था सरल था? पेपर जो देखे आई है टफ था है ना। अभी 12th कब किया आपने? 2022 में। तो एक एग्जाम और दिया होगा, 2022 का दिया था आपने पीएसटी का, उसका रिजल्ट रुका हुआ है ना, उसमें कितने नंबर आए थे? 44। अभी कितने आ रहे हैं इसमें? बहुत कम हो गया आपका ना। चलिए ठीक, आज 11 सितंबर है और हम आपके रिवर सेंटर, जी हाँ MLCT कॉलेज में है आपका, और फर्स्ट पाली का पेपर आपका हो चुका है, बच्चे जा चुके हैं, हमने बच्चों से काफ़ी बातें की हैं, कुछ बच्चों ने बातें भी की हमसे, कुछ ने मना भी किया, हमने काफ़ी कोशिश करके बच्चों से बात की है। और कट ऑफ हम इस चैनल में आपको बताएंगे, आपका लास्ट एग्जाम खत्म हो जाए, लास्ट पाली के एग्जाम खत्म होने के बाद। और मैं RK सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो ये बच्चे बैठे हुए हैं, अभिभावक लोग बैठे हुए हैं सेकंड पाली वाले, ये देखिए। तो सेकंड पाली का भी हम इसी चैनल में आपको जो है वो जल्द ही बताएंगे, खासतौर से बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, पेपर सरल है या टफ है, हम पाली बाई पाली जो है इसका विश्लेषण कर रहे हैं। और उसके बाद हम लास्ट पाली के बाद हम जो है वो आपका एक एवरेज कट ऑफ कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है वो हम पूरी बताने का प्रयास करेंगे। और कई आप यदि आप ने एग्जाम दे चुके हैं तो आप भी अपने नंबर हमको इस मैसेज बॉक्स में बताएं, ताकि हम उसका विश्लेषण करके एक अच्छा कट ऑफ आपको जो है वो दे सकें। तो मैं RK सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, नमस्कार, धन्यवाद।